हे गाइस व्हाट इज अप। देखो कुछ दिन पहले फूल एम फोर की एक लीक्स निकल के आ रखी थी, तो काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि इस वाली क्रेट के बाद वो आएगी। तो ये हो भी सकता है क्योंकि पबजी लाइट वाले कुछ भी कर सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है, मैं लिख के नहीं दे सकता। लेकिन इसके बाद शायद से स्कारल आ सकती है क्योंकि स्कारल की भी लीक्स बीच में आ रखी थी और वो कन्फर्म होने वाली है। तो शायद से इसके बाद स्कारल की स्किन आ जाए और एम फोर फूल वाली तो जरूर आएगी, टेंशन मतलब आएगी, ठीक है आएगी आएगी। सो आज वाली वीडियो में यार तुम लोग को दिखाने वाला हूँ सीजन 37 के कमाल के यार बेहतरीन लीक्स, जो कि देखने के बाद तुम लोग एक ही शब्द कहोगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो यार, और वीडियो को लाइक कर देना। सब्सक्राइब ना भी करो चलेगा मेरे को, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि इतना टाइम वेस्ट करके यार वीडियो बनाई है मैंने, ठीक है, वो भी तुम्हारे लिए। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट, क्योंकि वक्त जाया करना यार किसी को अच्छा नहीं लगता। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई डोंट नो मेरी माइक को क्या हो गया, या फिर मेरी आवाज़ को क्या हो गया, या कहो तो यार मेरे फ़ोन को क्या हो गया, बहुत बदली बदली सी आवाज़ आ रही है यार। तुम लोग को भी लग रही है क्या, बता देना यार। अभी बात करते हैं हम लीक्स पे। देखो सीजन 37 की लीक्स आ चुकी है काफ़ी कमाल की, जैसे कि हेलमेट की लीक दिखाने वाला तुम लोग को, और बैकपैक्स की लीक दिखाने वाला हूँ, और भी कमाल की लीक्स दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये वाला हेलमेट देखने को तुम लोग को मिलता है, जो कि यार काफ़ी कमाल का है, तो मेरे को तो सही लगा है। तुम लोग भी बता देना है कि यार कॉमेंट में कि कौन सा हेलमेट तुम लोग को सही लगा। और हाँ देखो मैंने पहले नहीं बताया, लेकिन हाँ एक विनर पास का गिव अवे इस वाली वीडियो पे होने वाला है, तो वेट करना, वो लास्ट तक देख लेना वीडियो, उसके बाद होगा, ठीक है। और पिछली वीडियो का भी गिव अवे का विनर भी निकालना है, तो लास्ट तक देख लेना। सेकंड तुम लोग को इस तरह का हेलमेट देखने को मिल सकता है, ये भी काफ़ी कमाल का है यार। और मतलब जितने भी हेलमेट है ना, उनमें से एक खास हेलमेट मेरे को यही लगा है, तो इसके लिए तो यार लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब तीनों चीज़ बनते हैं, ठीक है, तो तीनों कर दो और लिख देना हेलमेट ओपी, ठीक है। हेलमेट ओपी कमेंट हो जाना चाहिए यार, आज कमेंट की बाढ़ आ जानी चाहिए समझ लो, ठीक है। तो ये हेलमेट देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वाले विनर पास सीजन 37 के अंदर। ये वाला हेलमेट देखो, ये भी कुछ क्रिएटिविटी दिखाई गई है इस वाले हेलमेट में भी, ठीक है, जो कुल मिला के मतलब खतरनाक ही लग रहा है। आगे से कुछ और पीछे से कुछ और पेंटिंग की गई है, ठीक है, तो मतलब कुल मिला के मस्त चीज़ है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला विनर पास सीजन 37 के अंदर ये वाला हेलमेट हम लोग को देखने को मिल सकता है। देखो क्रिएटिविटी की कमी नहीं है पबजी लाइट में, ये मैं मानता हूँ, लेकिन वक्त पे ये चीज़ें नहीं दी जाती है यार, बहुत बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है यार, ठीक है। तो ये वाला हेलमेट देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वाले विनर पास में, शायद से आ ही जाए यार। देखो हम लोग को चाहिए यार, ठीक है, जितने भी हेलमेट उनमें से मतलब सारे चाहिए यार वैसे तो, लेकिन आ जाने चाहिए जल्दी जल्दी। अब ये डीमन का लुक दे रहा है और काफ़ी खतरनाक भी लग रहा है ये वाला हेलमेट, ठीक है, तो इसको शायद से पसंद करेंगे। और वाइट कलर में, अगर ये रेड प्लस ब्लैक में होता तो काफ़ी खतरनाक लगता, लेकिन वाइट कलर है तो वह वाइट कलर है, बात खत्म, सीधे हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसलिए कि क्योंकि डीमन लुक देता वो काफ़ी खतरनाक लगता, ठीक है, और स्विंग भी डाल लगी है तो यार वो लग भी ऐसा ही रहा है कि यार मतलब लाइक एग्रेसिव, ठीक है, डेंजरस, तो ठीक ठाक है, ये भी आना चाहिए हमारे नेक्स्ट वाले विनर पास के अंदर। तो देखते हैं यार क्या होता है। अब सीधे शिफ्ट होते हैं बैकपैक पे यार। देखो बैकपैक की बात ऐसी है ना कि कमाल के बैकपैक आ रखे हैं, लेकिन क्या पबजी लाइट देगा वो तुम लोग जानो, ठीक है। तो सबसे पहले बैकपैक ये देखने को मिलता है, मतलब क्या ही बोलूँ क्या ही बोलूँ, खतरनाक ही है, ओपी है भाई। हालांकि ये शायद से पहले बार आया होगा, लेकिन विनर पास में तो मैं कह सकता हूँ कि यार ये चीज़ नहीं आई होगी, तो शायद से ये विनर पास में आ जाए, ठीक है। बाकी लोग बाकी जगह का मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन विनर पास में अपने को चाहिए तो चाहिए। तो पबजी लाइट अगर डेवलपर वगैरह कोई सुन रहा है तो भाई डालो यार, डालो भाई, चाहिए अपने को। सेकेंड ये वाला बैकपैक है, कुछ ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाई गई है इसमें, ठीक है, और काफ़ी ख़तरनाक, मतलब क्या ही बोलूँ, ठीक है। लेकिन नॉर्मल बैकपैक में क्रिएटिविटी दिखाई गई है और ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है। तो अब क्या ही कर सकते हैं भाई, पबजी लाइट दे दे तो ले लेंगे, नहीं दे तो कहाँ से लेंगे। कुल मिला के बात यह है कि भाई कुछ भी दे हमें लेना ही है, और भाई पैसे बर्बाद होने ही है, तो कोई बात नहीं भाई, डालो डालो यार। देखो यार कुछ बैकपैक ऐसे होते हैं ना काफ़ी खतरनाक वाले होते हैं, उनमें से एक ये है, ये 3 लेवल का है, लेकिन मेरे को 2 लेवल का क्यों लग रहा है अपने को नहीं पता, लेकिन हाँ मतलब कुल मिला के काफ़ी खतरनाक बैकपैक है। और ये बात तो भाई पबजी लाइट में चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब मुझे नहीं पता भाई पबजी लाइट वाले क्या करेंगे, लेकिन इस चीज़ को डालो यार, क्या ही बोलूँ यार। साथ में एक और बैकपैक है, ये भी थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा क्या है, कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, ठीक है, और लुक भी इसका काफ़ी कमाल का है, ठीक है। तो ये अपने को चलेगा, बहुत ज़्यादा चलेगा यार, बेहिसाबी चलेगा, ठीक है। तो ये देखने को मिल सकता है हमारे 37 विनर पास के अंदर, या फिर कहीं और,
अब कहीं और का मतलब तुम्हें पता होगा, लकी स्पिन, लकी ड्रॉ या फिर क्रेट ओपनिंग पे, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे बस पे नहीं होती। कुछ बैकपैक में से ये बैकपैक भी मेरे को काफ़ी कमाल का लगा है, ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि यार ये विनर पास में पबजी लाइट कभी भी दे पाएगा, ठीक है। लकी ड्रॉप में, लकी स्पिन में दे सकता है, और क्या पता दे भी चुका होगा, ठीक है, लेकिन पबजी लाइट का तुम्हें पता यार दोबारा दोबारा चीज़ें आते रहती हैं, तो इसका कोई वो नहीं है, ठीक है। 37 विनर पास में भी देखने को मिल सकता है, बाकी जगहों पर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो देखते कि यार नेक्स्ट विनर पास में क्या होता है, और उससे पहले भी आ सकता है ये बैकपैक। येलो वाला बैकपैक ये भी देखने को मिलता है। देखो पिछली बार भी मैंने इससे पहले एक लीक्स दिखाई थी, वो कंफर्म हो चुकी थी, हाँ वो बैकपैक जो है ना वो मैंने दिखाया हुआ था और वो कंफर्म हो गया था। तो मेरे को लगता है कि यार ये वाला बैकपैक नेक्स्ट वाला विनर पास में देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाई कुछ यूनिक भी लग रहा है और पबजी लाइट के लाइक भी लग रहा है, तो शायद से ये नेक्स्ट वाले विनर पास सीजन 37 के अंदर कंफर्म देखने को मिल जाए, तो उम्मीद तो यही कर सकते हैं यार, ठीक है। अब देखो काफ़ी टाइम से पैरासूट की भी लीक्स नहीं निकल के आ रखी है, तो पैरासूट की भी देख लो, ठीक है, उसके बाद हम माइनिंग करेंगे यार, पैरासूट की स्किन भी निकालेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इस तरह का पैरासूट देखने को मिल सकता है तुम लोग को, ठीक है, जो कि काफ़ी मतलब मस्त भी लग रहा है और काफ़ी हैवी भी लग रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले मेरे पास में ये पैरासूट देखने को मिल सकता है, तो उम्मीद तो करते हैं यार मिल ही जाए। साथ में एक और पैरासूट है, देखो ऐसे पैरासूट पबजी लाइट ज़्यादातर नहीं देता, मगर शायद से दे दे। अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि यह लकी स्पिन, लकी ड्रॉ या फिर क्रेट्स पे आएगा, ये पबजी लाइट के विनर पास में भी आ सकता है, ठीक है, अब कहीं भी आ सकता है, ठीक है। बस मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ ये लीक्स है, ये कंफर्म होगी और जरूर होगी, टेंशन ना लो, जरूर से होगी, ठीक है। तो ये देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वाले विनर पास में या फिर कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। अब VSS की स्किन पे आते हैं। देखो ये लास्ट वाली लीक्स है और ये थोड़ी फाड़ू वाली लीक्स है, ठीक है। देखो VSS की स्किन का क्या सीन है कि VSS की स्किन बहुत कम आती है, और आती भी है तो भाई क्या ही बोले, कैसी भी आती है, लेकिन कमाल की लीक्स ये आने वाली है। देखो हालांकि ये अपग्रेडेड होने वाली है, लेकिन ये ज़रूर से देखने को मिलेगी हम लोग को पबजी मोबाइल लाइट के अंदर, और अपग्रेडेड के साथ तुम लोग पता होगा यार अपग्रेड के साथ कितना मजे आते हैं, ठीक है। तो VSS की अपग्रेडेड स्किन जल्दी ही आने वाली है, तो इसका तो वेट करेंगे, तो देखते हैं यार कब तक हम लोग को देखने को मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही यार। देखो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि यार इससे बेहतर वीडियो बनाने की मैं ट्राई करूँगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैं बिजी हूँ, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि यार देखो उसके बाद ऐसा होता है कि एक बार वीडियो ना पड़ी तो यार उसके बाद साला सीन ये होता है कि भाई वीडियो पड़ती ही नहीं है, ठीक है, तो मैं फिर भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो जल्दीबाजी में बहुत सारी वीडियो ऐसे डाल देता हूँ फालतू की, ठीक है, जिसमें कि मैं कॉमेडी वगैरह कुछ भी नहीं कर पाता हूँ और वो फील नहीं आता है, तो इसको इग्नोर मारना, ठीक है। तो फिलहाल के लिए गिव अवे की बात कर लेते। देखो गिव अवे पिछली वीडियो के गिव अवे का विनर ऊपर दिख रहा होगा, जो भी है देखो इंस्टाग्राम की आईडी मैंने कमेंट बॉक्स में दी हुई है, जैसे कि मैं हर रोज देता हूँ, कमेंट बॉक्स में जाना है, जो भी जीता है, ठीक है, जो लौंडा जीता है वहाँ पे जाना है, डायरेक्ट मैसेज करना है और उसे विनर पास दे दिया जाएगा, ठीक है। तो जा यार क्या कर रहा है, ठीक है। फिलहाल के लिए आज वाली वीडियो पे भी है एक विनर पास का गिव अवे, तो क्या करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब के साथ एक कमेंट छोड़ देना, ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी, कोई कुछ भी कमेंट कर सकते हो, अपनी आईडी छोड़ सकते हो या फिर कुछ भी छोड़ सकते हो, जो कि मैं अगली वीडियो पे तुम लोग को निकाल के दिखा दूंगा कि यार हाँ ये लौंडा जीत गया है और उसे बीसी मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस।